I move that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, Amendment Bill 2024 as introduced by the National Assembly be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल होगी। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कौमी असेंबली और सेनेट के पास करदा तमाम बिल्स पर दस्तखत कर दिए। कायम मकाम सदर के दस्तखत के साथ ही तमाम बिल्स कानून बन गए। बिल्स कौमी असेंबली और सेनेट में कसरत राय से मंजूर किए गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बिल्स दोनों ऐवानों में पेश किए। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 1953 में तरमीम का बिल और पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961 में तरमीमी बिल भी कसरत राय से मंजूर किए गए। पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट के कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तैनाती दोबारा तैनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। बिल का मतन be taken into consideration at once. The Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of it may say aye. All those against it, no. I think ayes have it. Consequently, motion is adopted. सुप्रीम कोर्ट जजों की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असेंबली और सेनेट से मंजूर। बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 34 की गई। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का बिल भी दोनों वालों से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2024 में तरमीम का बिल भी कौमी असेंबली और सेनेट से कसरत राय से मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 की गई है। तीनों बिल वजीर कानून आजम नज़ीर तारण ने दोनों वालों में पेश किए। सुप्रीम कोर्ट में हजारों मुकदमात पेंडिंग है। जजेस की तादाद में इजाफा किया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी अदालत के लिए जज चाहिए होंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद कम करना है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारण बिल्स की मंजूरी के दौरान कौमी असेंबली और सेनेट के ऐवान मछली मंडी का मंजर पेश करते रहे। अपोजिशन अरकान का शदीद शोर शराबा और हंगामा राई। अपोजिशन ने स्पीकर के डायस का घेराव कर लिया। हिज़्ब इख्तलाफ ने स्पीकर डायस के सामने बिल की कॉपीज फाड़कर हवा में उड़ा दी। ऐवान में अपोजिशन अरकान डायस बजाते रहे। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत अता तारर और पीटीआई रुकन शाहिद खटक आपस में लड़ पड़े। ऐवान में अपोजिशन अरकान और सिक्योरिटी अहलकार आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। स्पीकर अयाज साजिद ने सर्जेंट एट आर्म्स को तलब कर लिया। सेनेट में भी ऐवान और अपोजिशन का शदीद शोर शराबा और नारेबाजी। सेनेट इजलास गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज दिन 2 बजे होगा। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन की तश्कीली नौ के बाद पहला इजलास होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ़ मुतवक्के। कमीशन सेक्रेटेरिएट का क़याम और सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। अटर्नी जनरल, वज़ीर क़ानून, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल भी शिरकत करेंगे। फारूक नायक, शेख आफ्ताब, उमर अयूब और शिबली फराज भी शिरकत करेंगे। कौन होगा अमेरिका का नया सदर, ट्रंप या कमला? फैसले की घड़ी आ गई। 47वें अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए वोटिंग चंद घंटों पर। तमाम रियासतों में पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल। कहीं कमला हैरिस आगे तो कहीं ट्रंप को बर्तरी हासिल। 24 करोड़ से ज्यादा अफराद हक़े रायदही इस्तेमाल करेंगे। 7,80,00,000 अफराद ने पोलिंग डे से पहले ही वोट कास्ट कर दिया। नॉर्थ कैरोलिना में वोटिंग की शराब 55% रिकॉर्ड। जॉर्जिया में 50 और टेनेसी में 49% वोट कास्ट हो गए।
टेक्सास और फ्लोरिडा में 47% वोटर्स ने हक रायदही इस्तेमाल किया। बाकी वोटर्स आज अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्ट्रोल वोट दरकार। 435 अराकीन नुमाइंदगान, 33 सेनेटर्स और 13 रियासतों के गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेटिक की कमला हैरिस में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 7 स्विंग स्टेट्स उम्मीदवारों के लिए फैसला कुन होंगी। मुतालिक रियासतों के 93 इलेक्ट्रल वोट इंतहाई अहमियत के हामिल। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज 4 बजे शुरू होगी। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन में पोलिंग का आगाज और इख्तिताम मुख्तलिफ अवकात में। अमरीका में सदारती इंतखाबात, डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस की जीत के दावे। इलेक्शन की दौड़ में हम ही जीतेंगे, तमाम स्विंग रियासतों में हम ही कामयाबी हासिल करेंगे, जो बाइडेन के खराब किए गए निज़ाम को ठीक करेंगे, इक्तदार में आकर महंगाई का खात्मा करेंगे, सदर मुंतखब होकर मशरक़ वस्ती में कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा करूँगा। अगर हर शहरी अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करेगा तो कोई भी हमें शिकस्त नहीं दे सकता। डोनाल्ड ट्रंप का कैरोलिना में खिताब, उम्मीद है इंतखाबात शफाफ होंगे। अमरीका ट्रंप के दौर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। हम तकसीम और नफरत की सियासत से तंग आ चुके हैं। डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस का रियासत पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली से खिताब। बेअमनी, इलेक्शन अमले पर तशद्दुद के खदशात से निपटने के लिए गैर मामूली सिक्योरिटी इकदामात। रियासत ओरेगन, वाशिंगटन और नेवाडा में नेशनल गार्ड फाल। खतरात पर नजर रखने के लिए FBI ने कमांड पोस्ट कायम कर दी। मुल्क भर में 1,00,000 के करीब पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पोलिंग अमले के लिए पिंक बटन, छतों पर खसूसी मुसल्ले टीम तैनात होंगी। पिंक बटन इमरजेंसी सूरत हाल में इस्तेमाल किए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन के रोज नेशनल गार्ड को स्टैंड बाय रखा जाएगा। एरिजोना, मिशिगन, नेवाडा समेत 19 रियासतों में 2020 से इलेक्शन सिक्योरिटी कवानी नाफिज है। First time voting here and I stand with the Green Party and I'm going to vote for Jill Stein. I'm going to be voting for the Green Party here in California and this is my first election as voting and I'm voting for the Green Party because they stand for the right things and I'm voting for Jill Stein because I support for what she stands for. I'll be voting for the Green Party for Jill Stein because I stand with what she believes in and usually in the other parties you will see discrepancies or things that they don't stand for example like with things going on in Palestine. कोई ट्रंप का हामी तो किसी के लिए कैमला पसंदीदा उम्मीदवार। अमेरिका में मकीम गैर मुल्की अफराद भी वोट कास्ट करने के लिए पुरजोश। गजा जंग खत्म होनी चाहिए, पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की डॉक्टर्स का मुतालबा। टू बी ऑनेस्ट, हमारे ज्यादा जो हम लोग जो पाकिस्तानी मुसलमान अमेरिकन यहाँ पे हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू या हम लोग ज्यादा वी एग्री विद रिपब्लिकन। आप नेक टू नेक हैं दोनों पार्टीज। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि आप डेमोक्रेट्स को दें, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कह रही हैं कि आप रिपब्लिक को दें। द पर्सन वी शुड बी वोटिंग इज डेफिनेटली हु इज गुड फॉर द कंट्री, जिनकी पॉलिसीज अच्छी हो। ऑनेस्टली आई वॉन्ट अ पर्सन हु इज अगेंस्ट द वॉर। लाहौर की फजा बदस्तूर आलूदा। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर 609 AQI के साथ पहले नंबर पर। भारत के शहर दिल्ली का दूसरा नंबर। शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। शहरियों को मास्क का इस्तेमाल लाजमी करने का मशवरा। लाहौर में स्मोक की सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। महकमा माहौलियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया। आइंदा 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। लाहौर और उसके गिर्दोनवाह में दाखिल होने वाली हवा की रफ्तार 4 से 8 किलोमीटर फी घंटा होगी। जुमा और हफ्ता को स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज बंद करने की तजवीज। गुलबर्ग, लिबर्टी, एम एम आलम रोड में मार्केट को ग्रीन लॉकडाउन में शामिल करने पर गौर। छुट्टियों और ग्रीन लॉकडाउन का हतमी फैसला सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की मुखालफत करेंगे, अवाम में जाएंगे, मौलाना का ऐलान। हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम करना चाहती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी को ऐसे एक्ट को पास करने से गुरेज करना चाहिए। क्या ये नया एक्ट आइन का तकाजा होगा? ये आइन पार्लियामेंट और 26वीं तरमीम की तौहीन है। ऐसा कानून पास कर रहे हैं जो जमहूरी रवायात का गला घोंट देगा। अमरीका में जिसकी भी हुकूमत आए, खारजा पॉलिसी में फ़र्क नहीं आता। अभी तक 27वीं तरमीम की
सिर्फ बातें हो रही हैं, जब 27वीं तरमीम आएगी तो उसके बाद बात करेंगे। JUS सरबराह मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की मईशत मुसाहकम हो रही है। शराय सूद में 2.5 पॉइंट्स कमी की गई है। शराय सूद 17.5 फीसद से 15 फीसद पर आना खुश आइंद है। कारोबारी सरगर्मियों, बरामदाद और रोजगार के मौके में इजाफा होगा। कौमी और आलमी इदारे मुल्की मईशत के इस्तेहकाम की गवाही दे रहे हैं। मुल्क में इंतशार फैलाने वालों के नापाक मंसूबे नाकाम हुए। दौरे सऊदी अरब में शराकत दारी में नए बाप का इजाफा हुआ। सऊदी क़यादत ने हर किस्म की मुआवनत की यकीन दहानी करवाई। कतरी सरमाकारी के $3 अरब को मंसूबों की शक्ल देने की बात हुई। कतर हवाबाजी, होटलें, IT और तवानाई समेत दीगर शोबों में सरमाकारी करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी का इजलास में गुफ्तगू। टैक्स चोरों, मुआवनत करने वालों के खिलाफ घेरा, तंग करने की हिदायत। वफाकी काबीना में नए लोगों को शामिल किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना में रद्दोबदल का इशारा दे दिया। आलमी अमन और खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वामे मुत्तहिदा और दीगर तंजीमें अमन कायम करने के लिए कोशा हैं। मासूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों के हालात बताते हैं कि अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम उल्लू का नस्क में कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान में पहली बार अमन तरबियती मरकज़ की आलमी तंजीम की 28वीं सालाना कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। आर्मी चीफ जनरल आसिम उल्लू की कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने CRPC की नई इमारत के इफ्तिताह के साथ कॉन्फ्रेंस का आगाज़ किया। अक़वामे मुत्तहिदा अमन ऑपरेशंस के नायब सेक्रेटरी भी मौजूद थे। सालाना कॉन्फ्रेंस नस्ट में 8 नवंबर तक जारी रहेगी। उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा अमन कार्रवाइयों में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने IAPTC सालाना कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर पाकिस्तान को सराहा। ISPR पाकिस्तान हाई कमीशन की गाड़ी पर धावा बोलने के मामले पर अहम पेशरफ। बरतानवी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके बाज़ाब्ता तहकीकात का आगाज कर दिया। मामले को बरतानिया के आला तरीन सफारती हुकाम के साथ उठाए जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। सफारती गाड़ी में साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी अहलिया सवार थे। मामले की तहकीकात मकामी कवानीन के मुताबिक की जाएंगी। सफारती जराए सिक्योरिटी फोर्सेज के खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग ऑपरेशन फितना खारिज के 6 खारजी हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जनूबी वजीरिस्तान के इलाके में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई में 5 खारजी हलाक और 3 जख्मी हुए। शुमाली वजीरिस्तान में खुफिया इत्तला'आत की बुनियाद पर सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। खारजी अहमद शाह उर्फ इंतजार मारा गया। उम्मीद है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों के तहफ्फुज़ और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरआज़म हैं। ISPR बलूचिस्तान के ज़िला नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में झड़प। शदीद फायरिंग के तबादले में 1 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके में किसी दूसरे दहशतगर्द के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत काबीना की इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। SCO इजलास के अखराजात के 9,58,00,000 की बाकायात की समरी पर गौर। ECC का माली साल के अख्तिताम पर फंड्स की कमी की सूरत में ज़मीनी ग्रांट की मंजूरी का फैसला। ECC की वजारत हाउसिंग की 15 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी। PSO और SOCAR आज़रबाईजान के दरमियान पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी माहदे की मंजूरी। वजारत तवानाई के माली साल 2024-25 के लिए सर्कुलर डेब मैनेजमेंट प्लान की मंजूरी। मनसूबे का मकसद पावर सेक्टर में वाजिबात को कम करना और माली इस्तेहकाम को बढ़ाना है। ECC का दालों और चिकन की कीमतों में इजाफे की सूरत हाल का भी जायजा। पाक बहरिया का बहरी जंगी जहाज से बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल सिस्टम की 350 किलोमीटर दूर करने की सलाहियत। ज़मीनी और समंदरी अहदाफ को इंतहाई दुरुस्ती से निशाना बनाया जा सकता है। निज़ाम जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम के साथ अपनी सम्त और रफ्तार को तब्दील करने की खसूसियात से लैस। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के सीनियर अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुजाहरा किया।
सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की कामयाब मिसाइल तजर्बे में हिस्सा लेने वाले यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। शुमाली गाज़ा में इसराइल के फलस्तीनियों पर मुजालिम बैतुलहिया में हमला, 20 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मियों को मलबे से निकालने का अमल जारी। 4 हफ्तों से जारी नाकाबंदी में 1300 फलस्तीनी लुकमा अजल बन गए। गाज़ा में शहदा की तादाद 43,374 हो गई, 1,00,000 से ज्यादा जख्मी। अल-क़साम ब्रिगेड का जिबालिया में इसराइली फौजियों पर हमला, 4 इसराइली फौजी हलाक करने का दावा। गाज़ा में इसराइली फोर्सेस भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने लगी। भूख और अफलास का शिकार 33 फलस्तीनी लुकमा अजल बन गए। अक़्वामे मुत्तहिदा की फूड एजेंसी ने खुराक और इमदादी सामान की सप्लाई में रुकावट पर कहत से खबरदार कर दिया।